वेलकम टू माई चैनल विशाखा व्यास शर्मा। तो आपका इस सीरीज़ में स्वागत है और आज की मेरी जो वीडियो है वो है रिसेप्शन लुक। जी हाँ, जो भी वेडिंग में रिसेप्शंस होते हैं उसके लुक के लिए मैंने आज मेकअप किया है और मैंने ये मेकअप किया है गेस्ट मेकअप। जी हाँ, जो भी घर में गेस्ट होते हैं या कजन्स में या फैमिली में किसी की शादी है तो उस तरह का मेकअप आप कर सकते हैं। वैसे ये मेकअप आप किसी भी आउटफिट पर कर सकते हैं, बस मैंने जस्ट साड़ी वेयर किया है। आप चाहे तो लहंगा भी वेयर कर सकते हैं और उसी के साथ मैंने कुछ एक्सेसरीज वगैरह जो भी किया है वो मैं आपको बताऊंगी, पर पहले चलते हैं हम मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ। तो यहाँ मैंने अपना फेस कर लिया है मॉइस्चराइज्ड और यहाँ पर रेडी है मेरा मेकअप पाउच जिससे मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा अल्टिम प्रो, जिसे हमें सबसे पहले शेक करना होता है। उसके बाद मैं अपने हाथ में निकाल दूँगी थोड़ी सी प्राइमर ताकि मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर दूँ। तो इस तरह से मैंने अपने फेस पर कर दिया है इसे अप्लाई, और प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे 1 से 2 मिनट रहने देना है ताकि आपके फेस पर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे लगा लें। प्राइमर के सेट होने के बाद मैं यहाँ लूँगी नायका स्किन शील्ड फाउंडेशन और इस तरह से इसे डॉट फॉर्मेट में लगा दूँगी। तो अभी मुझे बहुत सारी टैनिंग हो रही है, इस वजह से ये थोड़ा सा शेड मिसमैच कर रहा है, अदरवाइज़ ये जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाता है मेरी स्किन टोन के साथ। तो इस तरह से आप भी इसे अप्लाई कर लें और ज़रूरत पड़े तो और क्वान्टिटी ले लें, और उसी के साथ फेस के साथ साथ आप नेक पर भी इसे अप्लाई कर दें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को ऑलरेडी वेट करके रखा था, तो अब मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से अपना फाउंडेशन। तो इसका जो कवरेज है वो बहुत अच्छा है, इसकी स्टेइंग पावर अच्छी है और ये बहुत ही इजीली आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाता है। तो ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी अपना फाउंडेशन, और नेक पर भी मैंने लगा लिया था फाउंडेशन तो उसे भी मैं यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाता है ना, तो फिर आपका जो बेस मेकअप है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाता है। तो इस तरह से मेरा फाउंडेशन यहाँ पर लग चुका है। 1 से 2 मिनट फाउंडेशन सेट होने के बाद हम करेंगे इसे पाउडर से सेट, और मैं यहाँ ले रही हूँ लोटस प्रो एडिट का कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये नीत ने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है बट मैं इसे स्टिल यूज़ करूँगी। तो इसी के साथ आए स्पंज से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और नेक पर भी इसे बिल्कुल इक्वली अप्लाई कर दूंगी। तो उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर नायका की आईब्रो पेंसिल, जिसे मैं इनर कॉर्नर पर सेट करूँगी जैसा कि मैं अपने हर मेकअप में करती हूँ। तो इस तरह से आप भी देख लीजिए, और जैसे ही मैं आईब्रो पेंसिल को अच्छे से अप्लाई कर दूंगी उसके बाद इसी के साथ दिए ब्रश से मैं अपने आईब्रो हेयर्स को कॉम कर लूंगी इस तरह से। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है आईब्रोज इससे। नेक्स्ट मैं लूंगी आई शेडो पैलेट फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट, तो यहाँ पर मैं इसका सबसे लाइटर शेड जो है वो अपने आईज पर अप्लाई कर दूंगी, और मैं जैसे कर रही हूँ उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैंने इसको क्रीजेस पर अप्लाई कर दिया है, और अब मैं लूंगी इसका सेकंड कलर जो थोड़ा सा डार्क कलर है, इसे मैं आईज के आउटर कॉर्नर्स जो होते हैं वहाँ पर अच्छे से अप्लाई करूंगी। सो मैं थोड़ा सा हैवी मेकअप करने वाली हूँ आई शेडो का, क्योंकि हम कर रहे हैं नाइट रिसेप्शन मेकअप। तो इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर बार का गोल्डन कलर आई लाइनर, और उसी के साथ ब्लेंडिंग ब्रश भी आता है जिसे आप एज अ आई शेडो भी लगा सकते हैं। तो मैं इस आई लाइनर को इनर कॉर्नर्स पर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इनर कॉर्नर पर इसे पूरे लिड अपनी क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ, और फिर इसके साथ आए ब्रश से मैं इसे ब्लेंड भी कर लूँगी, हल्के हल्के हाथ से जेंटली ब्रश करूँगी इसे ताकि ये एकदम बिगड़े भी नहीं और बहुत जेंटली स्मूथली मेरी आईज पर अप्लाई हो जाए। तो इस तरह से मेरा एक आँख का आई शेडो कम्प्लीट होता है, और अब मैं दूंगी सेकंड आईज पर भी। उसी के साथ आईलाइनर के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट से ये शाइन लाइन आईलाइनर, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट आईलाइनर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से लगा रही हूँ और विंग क्रिएट कर रही हूँ। उसी के साथ मैं अपनी सेकंड आईज पर भी आईलाइनर लगा दूंगी, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है आईलाइनर। तो आप देख सकते हैं कि आईलाइनर लगने के बाद इस तरह से आई शेडो का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हम नेक्स्ट लगाएंगे काजल, और काजल के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा अल्टिम प्रो काजल, और इसे मैं लगाऊंगी अपनी लोअर लिड पर। जी हाँ, इस तरह से ये काफ़ी डार्क लग जाता है, और सेकेंड आईज पर भी मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं अब मेरी फुल आई का जो लुक है वो किस तरह से लग रहा है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल मेकअप लग रहा है। अब हम लगाएंगे मस्कारा, उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी लोटस से इकोस्टे मस्कारा, और इस तरह से आपको अपने मस्कारा को अच्छे से लगा देना है, वो भी दोनों आईज के अपर लोअर दोनों लैशेस पर लगा लेना है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लूँगी शुगर से 01 पिंक पिनेकल शेड का ब्लश, और इस तरह से मैं अपने चिक बोन्स पर इसे लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल पिगमेंटेशन दे रहा है। उसी के साथ ये लग गया है मुझे थोड़ा सा डार्क, तो आप भी मेरी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से अपना स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी फाउंडेशन लगा हुआ है, तो इससे आपका जो ब्लश होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर, और हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अगेन शुगर का हाइलाइटर, और इस तरह से इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। सो मैं इसे लगा रही हूँ अपने चिक बोन्स पर। लगाने के बाद मैं इसको लगाऊंगी अपनी नोज़ पर। सेम हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा मेकअप फिक्सर फ्रॉम कलर बार। तो इस तरह से आपको अपने एक उचित दूरी पर अपना मेकअप को स्प्रे करना है, और इस तरह से थोड़ी देर 1 से 2 मिनट रहने देंगे, और उसके बाद आपका मेकअप सेट हो जाएगा। अब बारी आती है माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, वो क्या है, लिपस्टिक। और उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की एलिगेंस लिपस्टिक जिसका शेड है 08। तो इस तरह से आप भी इसे लगा लीजिए, और ये शेड बहुत ही ब्यूटीफुल है और पार्टी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है। सो इस तरह से मैंने अपनी लिपस्टिक यहाँ पर लगा दी है, और इस तरह से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो लिप लाइनर की हेल्प ले सकते हैं लिप्स को प्रॉपर सेट करने के लिए। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है मेरा लिपस्टिक पार्ट, और यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरा लुक। तो चलिए अब हम चलते हैं फॉर कंप्लीट ड्रेसअप। तो गाइज ये हो चुका है मेरा कंप्लीट लुक आफ्टर मेकअप, और उसी के साथ मैं बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर झुमका वियर किया है, और एक छोटी सी बहुत ही बेसिक सी हेयर स्टाइल बनाई है इस तरह से, और यहाँ के बाल थोड़े से लेकर इस तरह से। आप चाहें तो कोई भी हेयर स्टाइल जो भी आपको अच्छी लगे वो बना सकते हैं, या फिर कंप्लीट हेयर ओपन भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा ओरिजिनल बनारसी साड़ी नहीं है, बट मिक्स बनारसी और इस तरह की साड़ी है। मुझे कपड़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो आई होप आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो ये साड़ी मैंने अपनी वेडिंग जो ट्रूज़ो होता है ना, जो हम 11 या 21 साड़ियाँ या ड्रेस खरीदते हैं, उनमें से एक खरीदी थी, और मैंने आज इसे आई थिंक 3rd या 2nd time ही पहनी है, इससे ज़्यादा नहीं पहनी है। तो फुल लुक तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक्सेसराइज किया है खुद को बैंगल्स के साथ। आप चाहे तो मैचिंग बैंगल्स भी ले सकते हैं, बट एज़ यू नो कि हम लोग अभी यहाँ जस्ट शिफ्ट हुए हैं, तो मेरे पास इतनी एक्सेसरीज जो भी हैं वो नहीं है। ज़्यादातर एक्सेसरीज मेरी इन लॉज प्लेस पर है या फिर चित्तौड़ है, तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सेसराइज करके बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सिंपल से झुमका पहने हैं, और एक छोटा सा मंगलसूत्र डाल दिया है। आप चाहे तो कोई अच्छा सा नेकलेस भी पहन सकते हैं, बट मुझे एक्सेसरीज में यही ठीक लगता है। उसके अलावा एक स्टेटमेंट रिंग मैंने यहाँ पर पहनी है। सो उसी के साथ आप मेकअप देख सकते हैं। आज मैंने कुछ डिफरेंट मेकअप लुक ट्राई किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। और इस तरह का जो मेकअप लुक है ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये न्यू आई शेडो पैटर्न कैसा लग रहा है। और अगर मुझे अच्छे कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट जो भी फैमिली फंक्शन होगा उसमें मैं ये मेकअप लुक ज़रूर रिपीट करूँगी। तो चलिए अब देखते हैं मेरा कंप्लीट लुक।